तो दोस्तों मैं राज आपका दोस्त, तो आइए सीखते हैं एक 3D जेब्रा कैसे बनाते हैं शू बॉक्स से। तो ये शू बॉक्स मैंने ले लिया है, पुराना शू बॉक्स। इसको हम यूज़ करके जेब्रा बनाएंगे। ओके, शू बॉक्स को मैंने कट कर लिया है और इसको कट करके मैंने जेब्रा की शेप काट ली है। ये देखिए, मैंने उसकी चार टांगे इस शेप्स में काट ली हैं, अलग कर ली हैं। ये देखिए ऐसे, और ये दो स्ट्रिप्स अलग से कट कर लिए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये कट किया हुआ है ये। अब आपको करना क्या है, आप इसको ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे और इसको भी ऐसे करके यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपने ऐसे लगा दिया। अब ये चार टांगे क्या करेंगे आप, इसमें इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। 1, 2 इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे करके खड़ा कर सकते हैं। ठीक, अभी ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। जो कि बाद में अच्छा दिखेगा। ठीक, चलिए हम इसको हटा कर आप कलर करते हैं। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप पोस्टर कलर ले सकते हैं या फिर एक्रेलिक कलर ले सकते हैं। डबल कोट कर लेंगे तो और शाइन हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ी देर रख देंगे सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा, अभी तो ये सूखा नहीं, जब ये सूख जाएगा तो आप इसमें स्ट्रिप्स बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से इसकी जो टेल है इसको हम ब्लैक कर सकते हैं। ठीक,
और इस तरह से स्ट्रिप्स बना सकते हैं। अब ये गीला है, सूखा नहीं है। हम इसको जब इस पर डबल स्ट्रिप से डबल ब्लैक करेंगे, इसके ऊपर एक और कोट ब्लैक का करेंगे, तो फिर ये अच्छा दिखेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। जब आप इसको पूरा कलर कर लेंगे तो ये सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, उसी कार्डबोर्ड को मैंने इस काट लिया था और ग्रीन फ्लोरसेंट शीट्स लगा दिए। ये मैंने कुछ घास काट ली थी ये, और इसको नीचे से मैंने देखिए ऐसे करके फोल्ड कर दिया है। ये ऐसे नीचे से फोल्ड कर दिया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम इस हिस्से में यहाँ पर मैंने एक फेविकोल लगाया, यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर फेविकोल लगा दिया, इस पर थोड़ा सा कागज लगा दिया था पैर पे, ताकि वो उसको स्टैंड करने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए। और अब हम इसको यहाँ पर स्टैंड कर लेंगे। पूरा बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा, आप इसको सजा सकते हैं।